मोदी सरकार ने किया कमाल, रेड मीट मैनुअल से खत्म किया हलाल, मीट कारोबार में अब हिंदू भी होंगे मालामाल। जी हाँ, जो नियम कायदे पिछले कई दशकों से देश में हिंदुओं के खिलाफ थे, जिनके कारण हिंदू पीछे थे, अब मोदी सरकार ने उन नियम कायदों को खत्म करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक कदम मोदी सरकार ने उठाया है, जिसके बाद देश के मीट कारोबार में हिंदुओं को बड़ा फायदा होगा। दरअसल हाल ही में भारत सरकार के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA ने अपने रेड मीट मैनुअल में से हलाल शब्द को ही हटा दिया है। सरकार के इस कदम के बाद देश में अब हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत समाप्त हो जाएगी और सभी प्रकार के वैध मीट कारोबारी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। देश के लोग मोदी सरकार के इस कदम को बिना किसी भेदभाव के एक देश एक नियम के तहत मान रहे हैं। आपको बता दें, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स में पहले लिखा हुआ था कि जानवरों को हलाल प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए जबह किया जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स में इस्लामी मुल्कों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हलाल शब्द लिखा हुआ था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस शब्द को ही हटा दिया है। ये बदलाव इस डॉक्यूमेंट के पेज संख्या 8 में किया गया है। पेज 30 पर तो हलाल शब्द को हटाकर आयातक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पेज संख्या 35 पर जहां पहले इस्लामी शरीयत के हिसाब से कड़ी निगरानी में हलाल प्रक्रिया का जिक्र था, साथ ही शरीयत के हिसाब से ही लोगों को इसका सर्टिफिकेट भी मिलता था, अब मोदी सरकार ने इस पेज से इस पूरी पंक्ति को ही हटा दिया है, जिससे गैर मुस्लिम लोगों को फायदा होगा। तो वहीं पेज संख्या 99 पर जहां पहले हलाल लिखा हुआ था, उसे बदलकर अब जबह कर दिया गया है। मतलब साफ है कि APEDA के रेड मीट मैनुअल में आपको कहीं हलाल शब्द नहीं मिलेगा। सिर्फ एक मीट प्रोसेसिंग कंपनी हलाल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का जिक्र है। दरअसल इस मैनुअल को लेकर पहले काफी बवाल हुआ था, तब गैर मुस्लिम लोगों को इन नियमों से परेशानी थी, तब लोगों का मानना था कि भारत सरकार ही मीट को हलाल तरीके से प्रोसेस करने के लिए बाध्य करती है, लेकिन अब मोदी सरकार ने लोगों का ये भ्रम तोड़ दिया है। साथ ही पहले रेड मीट मैनुअल के कारण मीट व्यापार में धार्मिक भेदभाव भी होता था, क्योंकि हलाल प्रक्रिया का पालन करने के कारण हिंदू बिजनेसमैन चाहकर भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते थे। हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता था और इसका कारण था हलाल के लिए थोपे गए इस्लामी नियम। इसमें सबसे आपत्तिजनक शर्त थी कि हलाल मांस के काम में काफिरों मतलब कि गैर मुस्लिम जैसे हिंदू लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जिससे साफ पता चलता है कि इस रोजगार में केवल मुस्लिम लोग ही काम कर सकते थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस नियम को भी बदल दिया है। तो दोस्तों, आपका मोदी सरकार के इस काम पर क्या कहना है? क्या आप इस फैसले को सही मानते हैं? साथ ही साथ मोदी सरकार का ये फैसला हिंदुओं के लिए कितना फायदेमंद है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।